हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास कैमरा से आवाज नहीं आएगी तो हम लोग चेंज कर देंगे। नहीं, वो इससे लगा है ना, आवाज अगर नहीं आएगी तो चेंज। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग कटिंग टूल का सेकंड क्लास लेकर आया हूँ और यह ऐप पर आ रहा हूँ और यूट्यूब पर भी आपको डेमो मिलेगा। पेड कोर्सेज हम लोग फिटर टर्नर मशीनिस्ट कर लेकर आया हूँ और इसमें आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से ऐप पर पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है रिकॉर्डिंग आपको डाला जाएगा, लाइव रहेगा। आज हम लोग कटिंग टूल्स पढ़ाएंगे। कटिंग टूल्स में सबसे पहले मैं टॉपिक आपको बता दूँ, कल हम लोग जो पढ़ाए थे वह है स्निप सीयर फाइल का क्लास हुआ था। आज का जो क्लास है स्क्रैपर, और उसके बाद फाइलिंग के बाद स्क्रैपिंग ही किया जाता है। फाइलिंग के बाद स्क्रैपर और स्क्रैपर के बाद हेक्सा पढ़ाऊंगा। कटिंग साउंड क्वालिटी के बारे में आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोग यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा और आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पर मोबाइल नंबर भी मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेड कोर्स में ज्वाइन करना है, यह सभी जानकारी मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको कटिंग टूल में आज सेकंड क्लास है स्क्रैपर और हेक्सा से। स्क्रैपर हेक्सा से पहले भी हम बताए थे कि हम लोग क्रैश कोर्स लेकर नहीं आया हूँ, संपूर्ण कोर्स लेकर आया हूँ। टोटल 150 के आसपास लेक्चर बनेंगे। सब्जेक्टिव भी क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लास होगा। जैसे कटिंग टूल्स हमारा खत्म होगा तो कटिंग टूल का 300 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसका आपको लाइव डिस्कशन करवाया जाएगा। आज का जो टॉपिक है स्क्रैपर और आपका हेक्सा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर ऐप पर आप लिंक दिया हुआ है ऐप का डाउनलोड करिए, 999 रुपये पेमेंट करिए, उसके बाद आप ऐप पर डेली लाइव क्लासेस देख सकते हैं। और 150 लेक्चर होंगे, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन का और सब्जेक्टिव दोनों का होगा। और विशेष जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहेगा। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वह स्क्रैपर। सबसे पहले स्क्रैपर होता है, स्क्रैपर को हिंदी में खुरुचनी बोलते हैं। मैं बता दूं, स्क्रैपर फाइलिंग करने के बाद हाई स्पॉट जो आ जाता है उसको हटाने के लिए स्क्रैपिंग किया जाता है। स्क्रैपर द्वारा किसी भी सतह के हाई स्पॉट को हटाने के लिए स्क्रैपिंग किया जाता है। स्क्रैपर के द्वारा जो क्रिया होता है उसी को बोलते हैं स्क्रैपिंग। अब देखते हैं स्क्रैपर है क्या। तो स्क्रैपर एक प्रकार का कटिंग टूल है। स्क्रैपर एक प्रकार का कटिंग टूल है, हैंड कटिंग टूल है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किसे कहा जाता है, जिसमें कटिंग एज की संख्या एक हो। पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्क्रैपर यह एक स्क्रैपर सिंगल पॉइंट हैंड कटिंग टूल है। और पहले भी हम बताए थे जो कटिंग टूल हाथ द्वारा चलाया जाता है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और जो कटिंग टूल आपको मशीन द्वारा चलाया जाता है वह हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, अब यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या ब्लंट फाइल से भी इसे बनाया जाता है। वैसा फाइल जो फाइल खराब हो जाता है, कटिंग एज खराब हो जाता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्रैपर बना देते हैं। यह हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। जो स्क्रैपर होता है वह फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, अर्थात आगे की ओर कटिंग करता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक का अर्थ होता है आगे बढ़ते समय कटिंग करना। स्क्रैपर के हार्डनेस, कल हम बताए थे हार्डनेस, तो हार्डनेस क्या होता है, स्क्रैपर की हार्डनेस 56 से 64 होता है। HRC क्या होता है, हार्डनेस टेस्ट करने का यूनिट है, रॉकवेल हार्डनेस सी स्केल। यह रॉकवेल हार्डनेस में दो स्केल यूज करते हैं, एक HRV और एक आपको HRC के नाम से जानते हैं, तो यह HRC है। इसका प्रयोग फाइलिंग और मशीनिंग के बाद किया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि स्क्रैपिंग कब किया जाता है, तो स्क्रैपिंग जो किया जाता है वह हमेशा फाइलिंग के बाद किया जाता है या मशीनिंग के बाद किया जाता है। स्क्रैपर का जो साइज होता है वह 100 mm से 300 mm होता है। इसका साइज जो होता है वह लंबाई से ही लेते हैं। स्क्रैपिंग अलाउंस
जिस तरह हम लोग फाइलिंग अलाउंस पर रहते 0.02 से लेके 0.5 तक, उसी तरह आपको स्क्रैपिंग अलाउंस होता है 0.02 mm से 0.4 mm तक होता है। स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का झुकाव होना चाहिए, यह 300 से 400 में 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास रहता है। स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग जो करते हैं तो स्क्रैपिंग का जो झुकाव होता है, एंगल जो बनता है वह 30 डिग्री से 40 डिग्री होता है। इसका प्रयोग स्क्रैप अर्थात हाई स्पॉट को हटाने के लिए किया जाता है। स्क्रैपर का यूज कहाँ किया जाता है, स्क्रैपिंग करने के लिए अर्थात हाई स्पॉट को हटाने के लिए किया जाता है। यह देखिए स्क्रैपर है, फाइल की तरह है, आगे से कटिंग करते हैं। यह आपको दिया हुआ है स्क्रैपर ब्लेड है, हैंडल है। अब ये टाइप्स ऑफ स्क्रैपर, स्क्रैपर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो स्क्रैपर को आपको 6 वर्गों, फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, टू हैंडल स्क्रैपर और वुल नोज स्क्रैपर। यह सभी स्क्रैपर के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। स्क्रैपर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। पहले ही हम बोले हैं कि हम लोग क्रैश कोर्स नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण कोर्स कर रहे हैं। आपको कोई क्लास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ओनली 999 रुपए में आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कटिंग टूल हम पढ़ लिए, कटिंग टूल का 300 एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर उससे पढ़ लिए तो 99% क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से, मेरे सिलेबस से ही रहेगा। एक बात और आपको बता दूं कि ऑफलाइन भी कोचिंग खुलने वाले हैं। 1 तारीख से हमारे यहाँ सभी जो क्लासेस चलता था वह रेगुलर आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर जनरल पर्पस में, साधारण कार्यों में आपको फ्लैट स्क्रैपर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आता है जनरल वर्क में किस स्क्रैपर का यूज किया जाता है, तो जनरल वर्क में फ्लैट स्क्रैपर का यूज किया जाता है। इसका कटिंग एज जो होता है गोल अर्थात कॉनके होता है। यह 81 डिग्री पर ग्राइंड होता है, याद रखिएगा, बीबीआई बहुत है। स्क्रैपर जो होता है, कटिंग जो एज होता है वह 81 डिग्री पर ग्राइंड होता है। इसका साइज 100 mm से 300 mm होता है। असाधारण कार्यों में फ्लैट स्क्रैपर का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये हाफ राउंड स्क्रैपर, इसकी आकृति अर्ध गोलाकार होती है, इसे बेयरिंग स्क्रैपर भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत बीबीआई एक क्वेश्चन आता है, इसे बेयरिंग स्क्रैपर ही कहा जाता है। इसका प्रयोग बेयरिंग को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाफ राउंड जो स्क्रैपर है वह बेयरिंग को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे बेयरिंग स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हुक स्क्रैपर, देखिए हुक स्क्रैपर नाम से ही स्पष्ट है कि आपको यह हुक जैसा बना होता है। यह फ्लैट स्क्रैपर की तरह होता है पर इसका पॉइंट संकोण पर मुड़ा होता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां फ्लैट स्क्रैपर प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, जहां पर फ्लैट स्क्रैपर प्रयोग नहीं किया जाता है वहां पर किया जाता है। अब यह ट्रायंगुलर स्क्रैपर, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होता है, अभी का जो पीडीएफ है हम लोगों में फिगर नहीं डला है, लेकिन आगे से जो भी है क्लासेज उसमें आपको फिगर मिलेंगे। इसमें कटिंग एज 3 होते हैं। इसका प्रयोग बुश बेयरिंग के किनारे को तेज करने के लिए, अंदरूनी गोलाकार सतह को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। मैं बता दूं आपको, हाफ राउंड जो स्क्रैपर हम पढ़े थे तो केवल बेयरिंग को स्क्रैपिंग करने के लिए क्वेश्चन आता है, और यह जो आपको ट्रायंगुलर स्क्रैपर है वहां बुश बेयरिंग की जब बात आएगी तो ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। अब ये
टू हैंडल स्क्रैपर, टू हैंडल स्क्रैपर इसका प्रयोग फ्लैट सरफेस को स्क्रैपिंग करने में किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी कर्व्ड सरफेस यानी कि बड़ी बड़ी सतह होगा उसका आपको स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। बुल नोज स्क्रैपर तो इसका प्रयोग फ्लैट और हाफ राउंड सरफेस को स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी बेयरिंग को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। अगर देखिएगा हाफ राउंड स्क्रैपर को बेयरिंग दिया गया था, ट्रायंगुलर स्क्रैपर को बुश बेयरिंग दिया गया था और बुल नोज स्क्रैपर जो होता है बड़ी बड़ी आकार के जो बेयरिंग होता है उसको स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। यह था आपको स्क्रैपर। स्क्रैपर से इससे ज्यादा इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आगे हम लोग जब एमसी की क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको स्क्रैपर के बारे में बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि स्क्रैपर हम लोग पहले पढ़े थे स्निप, स्निप के बाद हम लोग पढ़े हैं सीयर, सीयर के बाद हम लोग पढ़े हैं फाइल, फाइल के बाद हम लोग पढ़े हेक्सा और हेक्सा के बाद अब हम हेक्सा पढ़ना है। हेक्सा भी क्या है? हेक्सा भी एक प्रकार का कटिंग टूल है। अब बोलिएगा यह किस प्रकार के कटिंग टूल है, हैंड कटिंग टूल है कि मशीन कटिंग टूल है? तो मैं आपको बता दूं हेक्सा दोनों प्रकार का कटिंग टूल है, मशीन द्वारा भी चलता है और हैंड कटिंग टूल भी द्वारा भी चलता है। हेक्सा के द्वारा पतली पतली सीट को या रॉड को कटिंग करने के लिए किया जाता है। यह भी एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल और मशीन कटिंग टूल है। हेक्सा के भी मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्रेम होता है और एक ब्लेड होता है। फ्रेम और ब्लेड के बारे में हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। मैं आपको ऐसा सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, संपूर्ण सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से जाकर 999 रुपये पेमेंट करके आप ऐप पर डेली लाइव क्लास पढ़ सकते हैं, यानी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। उसके बाद आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी लाइए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर भी दिया रहेगा, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आइए हेक्सा के बारे में बताता हूँ। तो हेक्सा पहले हम बता दें कि यह हैंड कटिंग टूल और मशीन कटिंग टूल है। हेक्सा में मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं, फ्रेम होते हैं और ब्लेड होते हैं। उसी के बारे में हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे। देखिए हेक्सा क्या कह रहा है, हेक्सा मल्टी पॉइंटेड हैंड कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंटेड उसको बोला जाता है जिसमें कटिंग एज की संख्या दो से अधिक हो, एक से अधिक हो, उसे मल्टी यानी कि कटिंग एज की संख्या असंख्य हो, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। हेक्सा जो होता है वह फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, आगे की ओर कटिंग करता है। जो कटिंग टूल हाँ पीडीएफ डलेगा मैं बात कर रहा हूँ एक मिनट, जो कटिंग टूल आगे की ओर कटिंग करता है उसे फॉरवर्ड स्ट्रोक में बोला जाता है और हेक्सा जो कटिंग करता है वह आगे की ओर करता है, अर्थात कह सकते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। इसका औसत स्पीड जिस तरह हम लोग फाइल की औसत स्पीड पर रहे थे 40 से 60 स्ट्रोक, तो इसी तरह हेक्सा का जो औसत स्पीड होता है वह 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होता है। अब एक स्ट्रोक किसे कहा जाता है, तो एक बार आगे गए और पीछे हैं इसे एक स्ट्रोक कहा जाता है। और हमेशा हेक्सा जो कटिंग करता है वह फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। इसके मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, एक फ्रेम होते हैं और एक ब्लेड होते हैं। उसी भाग को हम लोग देखते हैं, यही है हेक्सा। आप फिगर में देख रहे हैं यह हेक्सा है, हेक्सा के विभिन्न पार्ट्स है। जैसे यह आप देख रहे हैं हैंडल है, यह दिया हुआ है फिक्स ब्लेड होल्डर है, यह विंग नट दिया हुआ है, यह एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, यह आपको फ्रेम है, यह ट्यूबुलर फ्रेम विथ होल्डर यानी कि ट्यूबुलर फ्रेम भी होता है, सॉलिड फ्रेम भी होता है, आगे हम लोग बताएंगे। तो मैं बता दूं यह हेक्सा है और हेक्सा का जो मुख्य रूप से पार्ट्स होते हैं वह दो ही पार्ट्स होते हैं, एक आपको हेक्सा फ्रेम होता है और दूसरा हेक्सा ब्लेड होता है। तो सबसे पहले हेक्सा फ्रेम दिया है तो हम लोग हेक्सा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। हेक्सा फ्रेम सी आकार का होता है, हेक्सा फ्रेम सी आकृति का होता है। इसका आकार अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होता है। यह माइल्ड स्टील के पत्ते या कंटीन्यूअस पाइप के बनाए जाते हैं। याद रखिएगा हेक्सा जो होते हैं वह माइल्ड स्टील या कंटीन्यूअस पाइप के बनाए जाते हैं। इसकी आकृति सी अक्षर के जैसा होता है और हेक्सा
फ्रेम का यह विभिन्न पार्ट्स है, हैंडल है, फ्रेम है, फिक्स स्क्रू है, फिक्स ब्लेड होल्डर है, स्लाइडिंग स्क्रू है, विंग नट है, पिन है, प्रोम्स है, यह आपको हेक्सा का पार्ट्स है। अब हेक्सा पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद जानते हैं टाइप्स ऑफ हेक्सा, हेक्सा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है सॉलिड हेक्सा फ्रेम, क्या है सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। कहाँ पर कौन सा हेक्सा फ्रेम का यूज करना चाहिए, सॉलिड हेक्सा फ्रेम क्या होता है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम क्या होता है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम लोग ब्लेड पर चलेंगे, तब यह संपूर्ण क्लास होगा हेक्सा का। अब ये सॉलिड हेक्सा फ्रेम, सॉलिड हेक्सा फ्रेम यह देखिए फिगर में जो दिख रहे हैं यह सॉलिड हेक्सा फ्रेम है, ठीक है, दिया हुआ है यह हैंडल है, फ्रेम है, पिन है, ब्लेड है, विंग नट है, यह जो ब्लेड है, ब्लेड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हेक्सा पढ़ लेंगे, ठीक है। इस फ्रेम में केवल एक ही साइज का ब्लेड आता है, इस फ्रेम में 250 mm का ब्लेड आता है, ठीक है। कुछ वैसे भी सॉलिड हेक्सा फ्रेम होते हैं जिसमें 200 mm का भी ब्लेड आता है, और कुछ फ्रेम वैसे होते हैं जिसमें 250 mm का ब्लेड आता है, लेकिन जनरल पर्पस में जो हेक्सा फ्रेम यूज करते हैं उसमें 250 mm का ही ब्लेड वाला यूज करते हैं। हैंडल के अनुसार से जो होता है वह स्टेट हैंडल सॉलिड फ्रेम और पिस्टन ग्रिप सॉलिड फ्रेम होता है, पिस्टन ऐसे पकड़ने वाला होता है, यह जो है वह स्टेट हैंडल सॉलिड फ्रेम है। अब उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वह एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम नाम से ही स्पष्ट है कि आपको इसमें ब्लेड को एडजस्ट किया जाता है, अर्थात इसमें 200 mm से 300 mm तक के साइज का ब्लेड यूज कर सकते हैं, अर्थात 200, 250 और 300 mm। कह रहा है कि इस फ्रेम अलग अलग साइज के ब्लेड को फिट किया जा सकता है, इस फ्रेम में 200 mm से 300 mm, यानी कि मैं बता दूं 200 mm में आता है, 250 mm में आता है और 300 mm के साइज में आपको ब्लेड आता है, तो इसमें तीनों साइज का हम ब्लेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैंडल के अनुसार से यह तीन प्रकार का होता है, स्ट्रेट हैंडल एडजस्टेबल फ्रेम, पिस्टन ग्रिप एडजस्टेबल फ्रेम। देखिए यह पिस्टन वाला ही है, यह जो पिस्टन जैसा दिख रहा है पिस्टन है, और ट्यूबुलर टाइप एडजस्टेबल फ्रेम, तो आपको अलग अलग टाइप के आते हैं। अब उसके बाद है तीसरा जो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का देखिए पहले इसके बारे में जान लीजिए, तब उसके बारे में मैं बताता हूँ। इस फ्रेम की आकृति अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है, देखिए यह दिया हुआ है तो यह उल्टा किया हुआ है, यू अक्षर के समान। इसका प्रयोग अधिक गहराई में जॉब कटिंग करने के लिए, जैसे इतनी बड़ी जॉब को कटिंग करना है तो अगर साधारण ब्लेड से करेंगे तो क्या है, इतना कटिंग करने के बाद यह जो फ्रेम होता है ये वाला पार्ट इसमें तो टकराने लगेगा ना, तो इसमें नहीं होता है, तो इसीलिए जब यहाँ से यहाँ तक कटिंग, डीप कटिंग में अधिक गहराई पर कटिंग करने के लिए यूज करना हो तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज किया जाता है। अब ये हेक्सा ब्लेड, ये देखिए हेक्सा ब्लेड, आपको हेक्सा ब्लेड का जो साइज होता है देख लीजिए, आपको जो ये होल है यह होल के सेंटर से, होल के सेंटर से आपको इस होल के सेंटर तक लिया जाता है, यह आपको लेंथ है। उसके बाद यह पिन होल दिया हुआ है, यह सेंटर लाइन दिया हुआ है, यह साइड दिया हुआ है, यह बैक एज दिया हुआ है, ठीक है। यह आपको हेक्सा के बारे में हम लोग जानते हैं, हेक्सा के बारे में और क्या पढ़ना है, यह फिगर था।
अब आइए हेक्साब्लेड के बारे में, हेक्साब्लेड का फिगर था, हेक्साब्लेड के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि यह हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील दोनों का बना होता है। मैं बता दूं, जहां मशीन द्वारा प्रयोग करते हैं हेक्सा, वहां हाई स्पीड स्टील का बना होता है, और जहां हाथ द्वारा यूज करते हैं वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी दांतों की सेटिंग आगे की ओर होता है, हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग आगे की ओर होता है, इसीलिए यह फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। इसकी हार्डनेस जो होता है वह 59 से 65 HRC होता है। देखिए अभी हम लोग फाइल का पढ़े थे कल, तो फाइल का पढ़े थे 60 से 64 HRC, उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्क्रैपर का 56 से 64 HRC पढ़े, और यह आपको हेक्सा का दिया हुआ है 59 से 65 HRC। HRC मतलब रॉकवेल हार्डनेस CSK होता है। यह अपनी मोटाई से अधिक स्लॉट की कटिंग करता है। देखिए जैसे क्या है कि यह अपनी जो कटिंग करता है मोटाई से अधिक कटिंग करता है। अगर अधिक कटिंग नहीं करेगा तो घर्षण होगा, ब्लेड के पूरा पार्ट पर घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा तो क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, और हीट जब उत्पन्न होगा तो ब्लेड बार बार टूट जाता है। तो ब्लेड का हम सेटिंग ही इसलिए करते हैं कि वह अपनी थिकनेस से अधिक थिकनेस का कटिंग करे, अधिक स्लॉट की कटिंग करे। इसका साइज दोनों सुराखों के बीच के सेंटर से मापा जाता है। यह 200 mm, 250 mm और 300 mm के साइज में आते हैं। यह था आपका हेक्सा ब्लेड, यह हेक्सा ब्लेड का फिगर देख रहे हैं। अब आइए हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग। हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। आखिर दांतों की सेटिंग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्लीयरेंस बना रहे, आपको घर्षण कम हो। जैसे दे रहा है ब्लेड की कुछ दांतों दाएं और कुछ बाईं ओर मुड़ा होती है, इसको दांतों की सेटिंग कहते हैं। सेटिंग से कटिंग अच्छी होती है, क्लीयरेंस बना रहता है। सेटिंग के कारण ब्लेड अपनी मोटाई से अधिक चौड़ाई के ग्रूव काटता है। याद रखिए, सेटिंग के कारण ही ब्लेड अपनी मोटाई से अधिक चौड़ाई के ग्रूव बनाता है, जिससे क्या होता है, ब्लेड ग्रूव में फंसता नहीं। दांतों की जो सेटिंग होता है वह तीन प्रकार के होता है, स्टैंडर्ड सेटिंग, डबल सेटिंग और जिगजैग सेटिंग। स्टैंडर्ड सेटिंग क्या होता है, डबल सेटिंग क्या होता है, और जिगजैग सेटिंग क्या होता है, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग के बारे में। स्टैंडर्ड सेटिंग है क्या, देखिए स्टैंडर्ड सेटिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में देखिए। सबसे पहले इसे रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग को रेगुलर अल्टरनेट सेटिंग के नाम से जानते हैं। हम लोग का जो क्लास हो रहा है, लाइव क्लासेज हो रहा है, वह क्रैश कोर्स नहीं है, संपूर्ण कोर्स हम पढ़ा रहे हैं। अगर यह टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 99% हम बोल रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें एक दांत दाएं और एक दांत बाएं और हर पांचवां दांत सीधा होता है। सीधा दांत क्यों रखा जाता है, ताकि आपको बुरादा जो चिप्स होता है उसको बाहर निकालने के लिए। यह कटिंग करते हैं तो एक दांत बाएं, एक दांत दाएं और प्रत्येक पांचवां दांत सीधा रखते हैं, ताकि चिप्स बाहर आसानी से निकल सके। यह सेटिंग कोर्स पिच ब्लेड में होता है। जो इस प्रकार का जो सेटिंग है, स्टैंडर्ड सेटिंग है, वह कोर्स पिच ब्लेड में होता है। कोर्स पिच ब्लेड का पिच कितना होता है, 1.8 mm होता है, और कोर्स पिच ब्लेड प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो होता है वह 5 से 6 होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, BBI कोर्स पीच ब्लेड का भी पीच पूछा हुआ है, यह भी पूछा हुआ है, ठीक है। यह था आपका स्टैंडर्ड सेटिंग। अब आइए क्या है डबल सेटिंग। डबल सेटिंग में क्या कहा जाता है, इस प्रकार के सेटिंग में दो दांत दाएं और दो दांत बाएं, और प्रत्येक अगला दांत जो होता है वह सीध में होता है,
ताकि वह कटिंग किए हुए बुरादा चिप्स को बाहर निकाल सकते हैं। इसे डबल अल्टरनेट सेटिंग के नाम से जानते हैं, इसे स्टैगर्ड सेटिंग के भी नाम से जानते हैं। यह सेटिंग मीडियम पीच ब्लेड में होता है। थोड़ा सा पॉइंट्स को देख लेते हैं। दो दांत दाएं, दो दांत बाएं होता है और अगला दांत सीध में होता है। डबल अल्टरनेट सेटिंग के नाम से जानते हैं इसे स्टैगर्ड सेटिंग में। यह सेटिंग मीडियम पीच ब्लेड में होता है। मीडियम पीच ब्लेड का पीच जो होता है 1.25 होता है। मीडियम पीच ब्लेड में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या जो होता है वह आपको 8 होता है। यह भी एग्जाम में आया हुआ है। अब आइए जिग जैग सेटिंग। जिग जैग सेटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जिग जैग सेटिंग होता क्या है? इसमें कुछ दांत दाएं और कुछ दांत बाएं झुके होते हैं। इसे बेब सेट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के सेटिंग को बेब सेट के नाम से जाना जाता है। यह सेटिंग फाइन, याद रखिएगा, जिग जैग सेटिंग फाइन और वेरी फाइन पिच ब्लेड में ही होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यह जो हम पढ़ा रहे हैं संपूर्ण कोर्स है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ें, BIS के अनुसार हेक्साब्लेड की सेटिंग स्टैगर्ड सेटिंग, जिसमें पिच का मान जो होता है 1.00 mm से 1.8 mm होता है और बेब सेट का मान जो होता है 0.8 mm से 1 mm होता है। अब आइए हेक्साब्लेड का क्लासिफिकेशन, हेक्साब्लेड का वर्गीकरण, हेक्साब्लेड का वर्गीकरण कितने किस किस आधार पर किया जाता है, तो इसको समझना जरूरी है। समझिए, हेक्साब्लेड का वर्गीकरण लेंथ के आधार पर करते हैं। हेक्साब्लेड का क्लासिफिकेशन लेंथ के आधार पर करते हैं और लेंथ के आधार पर हेक्साब्लेड आपको तीन प्रकार के होते हैं। 200 mm में भी आते हैं, 300 mm में भी आते हैं और 250 mm में भी आते हैं। सेकंड है चौड़ाई के आधार पर। हेक्साब्लेड की जो चौड़ाई होती है वह कितना होता है? हेक्साब्लेड की चौड़ाई 13 mm से 16 mm होता है। हेक्साब्लेड की चौड़ाई 13 mm से 16 mm होता है जो दिया हुआ है। और थिकनेस कितना होता है? तो थिकनेस 0.63 से 0.8 mm होता है। 0.63 से 0.8 mm होता है किसका? हेक्साब्लेड के थिकनेस होता है। अब उसके बाद थिकनेस के आधार पर हुआ, यह तीनों प्रकार के तो हम लोग जान गए, पढ़ भी लिए कि होता है, ठीक है। यह लेंथ के अनुसार से पढ़ लिए, चौड़ाई के अनुसार से दो ही होता है, 13 mm से 16 mm के साइज में आता है। थिकनेस के अनुसार से इसके बीच आते हैं। एज के अनुसार से सिंगल एज ब्लेड और डबल एज, सिंगल एज ब्लेड और डबल एज ब्लेड क्या होता है? सिंगल एज ब्लेड जिसको कटिंग एज एक ही तरफ से बना हो उसे सिंगल एज ब्लेड कहते हैं, और डबल एज ब्लेड जिसके जिस ब्लेड में कटिंग एज दोनों तरफ से बना हो उसे डबल एज ब्लेड बोला जाता है। हार्डनेस के अनुसार से, हार्डनेस के अनुसार से भी ब्लेड दो प्रकार के होते हैं। आपको क्या लिखा हुआ है? ऑल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड में क्या होते हैं? पिन होल को छोड़कर बाकी भाग को हार्ड किया हुआ होता है। और फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है? कटिंग एज को केवल हार्ड किया जाता है। किसको? कटिंग एज को, यानी जो टीथ होता है उसी को केवल हार्ड किया जाता है। तो ऑल हार्ड ब्लेड जो होता है वह ज्यादा टूटने का डर होता है, इसलिए फ्लेक्सिबल ब्लेड ज्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद सातवां है पिच के अनुसार से। तो पिच के अनुसार से भी एक्सा ब्लेड का क्लासिफिकेशन किया गया है। कोर्स पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड और वेरी फाइन पिच ब्लेड। यहां से एक क्वेश्चन आपको वीवीआई आता ही है एग्जाम में। अब क्या है क्वेश्चन? कि कोर्स पिच ब्लेड में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या कितना होता है? 5 से 6 होता है। पिच का मान अगर देखिएगा तो कितना दिया हुआ है? 1.8 दिया हुआ है। पिच का मान 1.8 दिया हुआ है। मीडियम पिच ब्लेड में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 8 दिया हुआ है और पिच का मान जो होता है 1.25 mm होता है। फाइन पिच ब्लेड में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 10 दिया हुआ है और यहां 1.00 mm होता है।
और उसके बाद लास्ट में ये वेरी फाइन पीच ब्लेड में 0.8 mm होता है और दांतों की संख्या आपको 12 होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हेक्सा ब्लेड से अगर क्वेश्चन उठाएगा तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन उठाता है आता है। देखिए पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात यह समझिए क्वेश्चन किस टाइप में आएंगे, ऑप्शन क्या देगा, आप लोग ऑप्शन के बारे में क्या सोचते हैं, मैं आपको क्या सोचता हूं, कैसे आपको बताया जाएगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए। तो अभी हम लोग का जो क्लास हो रहा है वह सब्जेक्टिव हो रहा है पूर्ण रूप से। जब एमसीक्यू कटिंग टूल खत्म होगा तो वह कटिंग टूल का टोटल 30-30 क्वेश्चन का डीटीएस हम लोग जो ऑफलाइन पहले कोचिंग चलाते थे उसके हिसाब से क्लास में डीटीएस चलाते हैं, डेली टेस्ट करते हैं 30 क्वेश्चन का डीटीएस, मतलब डेली टेस्ट हमारे यहाँ की 1 घंटा का क्लास होता है, क्लास जैसे ही खत्म होगा उसके बाद टेस्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है। डेली टेस्ट चलता है, वीकली टेस्ट जो होता है वह आपको 100 नंबर का होता है और उसमें क्या होता है कि आपको जो ऐसे एग्जाम होता है उस टाइप का होता है। अब कुछ हेक्सा ब्लेड के बारे में और जानते हैं। पुराने ब्लेडों से बने ग्रूव में नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने ब्लेड का ग्रूव बनाकर नया ब्लेड करेंगे तो वहां का क्लीयरेंस अलग होगा, पुराने ब्लेड का क्लीयरेंस अलग होगा, इसलिए ब्लेड टूटने का डर रहता है। इसलिए कहा जाता है कि पुराने ब्लेड में जब यूज करिएगा कटिंग करें तो पुराने ब्लेड का ही यूज करिएगा, नहीं तो ब्लेड टूटेगा। कहा क्या रहा है इसमें देखते हैं, हेक्साइन करते समय ब्लेड के दांतों की ओर झुके होते हैं, घिस जाता है, यानी कि ब्लेड घिस जाता है, जिससे ग्रूव की चौड़ाई कम होती है और नए ब्लेड मोटाई अधिक होता है, उसी कट पर अगर प्रयोग करेंगे तो फंसेगा ब्लेड और टूट जाएगा, ठीक है, ब्लेड फंसेगा और टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत विवेक क्वेश्चन है, ब्लेड टूटने का क्या कारण हो सकता है। देखिए ब्लेड टूटने का कोई एक कारण नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के कारण से ब्लेड टूटता है। ब्लेड को सीधा नहीं चलाना, अगर ब्लेड को सीधा आप नहीं चला रहे हैं, ब्लेड चलाने नहीं आता है तो कटिंग आपका नहीं होगा, अर्थात सही कटिंग नहीं होगा। ब्लेड को सही से टाइट नहीं करना, ब्लेड को सही से टाइट नहीं करेंगे तो भी आपको टूट जाएगा। जॉब को ढीला बांधना, जॉब अगर ढीला होगा तो फंसकर ब्लेड टूट जाएगा। ब्लेड को ज्यादा गति पर चलाना, हम कितना गति बोले हैं 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट ना, अगर इससे ज्यादा स्पीड पर चलाइएगा तो आपको ब्लेड टूट जाएगा। पुराने कट में नए ब्लेड का प्रयोग करने से भी आपको टूट जाता है। हम लोग का जो क्लास होगा वह संपूर्ण क्लास होगा, ऐसा क्लास क्रैश कोर्स हम नहीं चला रहे हैं कोई, और दूसरी बात केवल आपको सब्जेक्टिव ही नहीं पढ़ाएंगे, हमारा जो क्लास होगा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो पढ़ लिए, लेकिन पढ़ने के बाद किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या ऑप्शन रहेगा, आप कैसे सोचते हैं उस ऑप्शन के बारे में, मैं कैसे सोचता हूं उस ऑप्शन के बारे में, आपको सभी तरह के आपको क्लास क्लियर करवाया जाएगा। संपूर्ण कोर्स है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं कम से कम फ्रेंड्स को भी बताइए कि ओनली 900। मैं ऑफलाइन जब कोचिंग हमारे यहाँ चलता है तो जो मंथली चलता है वह 800 रुपये मंथली चलता है, और टारगेट वाइज जो चलता है उसका 10,000 रुपये फीस है। 10,000 रुपये में आपको संपूर्ण सिलेबस करवाया जाता था, टोटल उसमें 5,000 एमसीक्यू क्वेश्चन और 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, 100 नंबर का, यानी कि 10,000 क्वेश्चन वहां हो जाते थे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होते थे। अगर ऑफलाइन भी हम लोग 1 तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अब उसके बाद क्वेश्चन कुछ और हैं जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जैसे कह रहा है कि एक्साइन करते समय जॉब को वॉइस से कितना ऊंचा बांधना चाहिए, तो 6 mm तक ही बांधना चाहिए। 6 mm से अगर अधिक बांधिएगा तो आपको क्या होगा, ब्लेड टूट जाएगा। जहां से जॉब को काटना है ब्लेड की कितनी दांत उस पर टिका होना चाहिए, जैसे यह कटिंग कर रहे हैं तो ब्लेड का कितना दांत इस पर आना चाहिए, 2 से 3 दांत कम से कम आना चाहिए, 3 दांत आना चाहिए तभी वह कटिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, जितना कि हम बहुत बीबीआई एकदम हर एक एग्जाम आता है,
पतली ट्यूब कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड का पीच होना चाहिए। पतली ट्यूब को कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड का जो पीच होता है वह 0.8 mm होता है। यह जो भी अभी क्वेश्चन है ना, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ट्यूब को कटिंग करने के लिए 0.8 mm का पीच का हेक्सा ब्लेड यूज करते हैं। एक पीतल के ठोस टुकड़े को, ये भी बहुत बीबी है, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक पीतल के ठोस टुकड़े को कटिंग करने के लिए आपको हेक्सा ब्लेड का पीच कितना होता है, तो 1.8 mm होता है। साधारण कार्यों के में किस पीच का ब्लेड प्रयोग करते हैं, तो साधारण कार्य में 1.25 mm से 1.4 mm तक का यूज करते हैं। अब साधारण कार्यों में माइल्ड स्टील पर वही होता है, माइल्ड स्टील भी साधारण कार्यों में यूज करते हैं। माइल्ड स्टील में के लिए किस पीच का ब्लेड यूज करते हैं, तो माइल्ड स्टील के लिए 1.25 mm से 1.4 mm तक का यूज करते हैं। प्लास्टिक के भी कटिंग करते हैं हेक्सा ब्लेड से, तो प्लास्टिक के कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड का पीच कितना होता है, तो 1.00 mm होता है। यह जो भी क्वेश्चन है वह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं आपको। अब यह कोरस पीच ब्लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मुलायम मेटल कटिंग करने में करते हैं। फाइन पीच ब्लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कंटिन्यूट और पतला पाइप कटिंग करने में किया जाता है। आज का जो हम लोग का सिलेबस था, वह टॉपिक था, वह स्क्रैपर और हेक्सा पर है, कल चीजल पढ़ेंगे। यह संपूर्ण कोर्स है, आपको लग रहा होगा यह पढ़ने के बाद हमारा जो एमसीक्यू पोर्शन है तो अगर आप पढ़ लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको दावे विश्वास के साथ करता हूं, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। इसी से जो क्वेश्चन आएगा वह आएगा। तो आप लोग ऐप में लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, वहां से आप सारा डिटेल पता कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। और वहां ऐप को डाउनलोड करिए, 999 रुपये पेमेंट करिए। फीटर टर्नर मशीनिस्ट का हम लोग कंबाइंड पर चला रहे हैं। जैसे टर्नर हम पढ़ाएंगे तो कैसे थ्रेडिंग होता है, कैसे टर्निंग किया जाता है, सभी के बारे में बताया जाएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, वहां से ज्वाइन करिए। और आपको किसी भी तरह की जानकारी होगा तो यह नंबर मेरा दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय। अच्छा।